नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चप्पल काटने की हाइड्रोलिक प्रेसेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम चार अलग किस्म की मशीन्स और उनके रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो काम कैसे करती हैं उसका पूरा डेमो देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस न करें। सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन सी चार हाइड्रोलिक मशीन्स हैं जिनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पे आती है एच फ्रेम मैनुअल हाइड्रोलिक प्रेस। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, ये मशीन बिना लाइट के चलती है। दूसरे नंबर पे आती है एच फ्रेम मोटराइज्ड मशीन, ये एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। तीसरे नंबर पे आती है सी फ्रेम हाइड्रोलिक प्रेस, ये भी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। और चौथे नंबर पे आती है एक्स्ट्रा सेंटर की हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक प्रेस। ये मशीन पावर प्रेस की बॉडी में बनाई गई है और बाकी दोनों की तरह ये भी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन। आइए अब इन सबका डेमो देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करती है। फ्रेंड्स, ये मशीन चलाने के लिए इस मशीन पे लगे हैंडल से प्रेशर बनाना होता है, जैसा कि एक हाइड्रोलिक जैक में होता है। इन दो प्लेट्स के बीच में शीट और डाई रख के हैंडल से प्रेशर बनाने पे ऊपर वाली प्लेट नीचे आती हुई डाई प्रेस करती है, जिससे नीचे रखी सोल कट जाती है। और आपको एक बहुत जरूरी बात बता दें कि सभी हाइड्रोलिक प्रेसेस बहुत आराम से के जोड़ा काट देती है, चाहे वो मैनुअल मशीन हो या मोटराइज। दूसरे नंबर पे आती है मोटराइज्ड एच फ्रेम हाइड्रोलिक प्रेस। इस मशीन में आप आराम से एक दिन में 2000 से 2500 जोड़ी तैयार कर सकते हैं। ये मशीन एक हैंड लीवर से ऑपरेट की जाती है, जिसे प्रेस करने पे ऊपर वाली प्लेट नीचे आती हुई सोल को काट देती है। ये मशीन घर की लेडीज या बच्चे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है सी फ्रेम सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक प्रेस। एच फ्रेम की मशीन के विपरीत इस मशीन की खासियत ये होती है कि इस मशीन में शीट काटनी नहीं पड़ती। जैसे सोल कटिंग पावर प्रेस में बिना शीट काटे पूरी शीट में से चप्पल काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इस मशीन में भी बिना शीट को काटे पूरी शीट में से चप्पल काट सकते हैं। ये मशीन पावर प्रेस से बेटर मानी जाती है, वो इसलिए कि इस मशीन में बिना किसी रिस्क के आप काम कर सकते हैं, जबकि पावर प्रेसेस में थोड़ा रिस्क हमेशा रहता है। आखिर में आती है हमारी एक्स्ट्रा सेंटर पावर प्रेस बॉडी वाली मशीन। ये मशीन भी बाकी सभी हाइड्रोलिक प्रेसेस जैसी ही होती है। कुछ लोग पावर प्रेस का डिजाइन पसंद करते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म नहीं। उन लोगों के लिए ये मशीन बहुत बढ़िया है। ये मशीन भी साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट होती है और इस मशीन की प्रोडक्शन भी उनकी तरह लगभग 2 से 2500 जोड़े होती है। इस मशीन का वजन लगभग 350 किलो होता है। हम एक बार आपको फिर बता दें कि वो सभी लोग जो पहली बार ये मशीन्स खरीदने और चलाने वाले हैं, उनके लिए हाइड्रोलिक प्रेस एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है। इसकी स्ट्रोक की स्पीड पावर प्रेस से थोड़ी स्लो होने के कारण ये मशीन नए मशीन ऑपरेटर्स के लिए बहुत सेफ हो जाती है। तकनीकी हिसाब से भी हाइड्रोलिक प्रेस का डिजाइन पावर प्रेस से बहुत सिंपल होता है, तो इस कारण कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ठीक करने के लिए आपको किसी ट्रेंड इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही काफी चीजें ठीक या रिप्लेस कर सकते हैं।
हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि आपको अगर चप्पल बनाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस लेनी है तो कौन सी लेनी है। हमारे यहाँ से सभी मशीन बहुत अच्छे से पैक करके और ध्यान से भेजी जाती है ताकि आपको मशीन बिल्कुल सही कंडीशन में मिल सके। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कई और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें कोई कमेंट या सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।